सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे जुर्म से भरी खबरों की तरफ। मेरठ के सरधना गांव में दिन दहाड़े 25 वर्षीय युवक के घर के अंदर घुसकर गोली मारने के बाद गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही घटना के दौरान हमलावरों से मृतक की बहन भिड़ गई तो चाकू से उसका गला रेतने का प्रयास किया गया, मगर युवती ने शोर मचाने के बाद दोनों हत्या आरोपी युवती के गले पर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करके फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल हो गई युवती, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और ताबड़तोड़ दबिश देते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जिस युवक की मृत्यु हुई है वो हत्या आरोपी की बहन का प्रेमी था। मैं जैसे वो दुकान पर जा रहा था, वो मोटर चला के पानी पी रहा था। इतने ही आ गई है कि मैं तो कमरे के गेट में खड़ी अपने छोटे से बालक को, 2-3 महीने का बालक है मेरा, उसे लेके मैं गोद में खड़ी थी। इतने आए छुरी और बूदे लेकर, नहीं इन्होंने वो करा, उसकी गर्दन काटी। उसका भाई था, सागर था, अंशु था, और सवारी खाती और काकुल थी उसकी बहन, और उससे चाचा के था, उनके नाम पता नहीं है उनके उनके लड़कों के। अच्छा, जो लड़की है उस पर भी यही पे वार करा आपके घर पे? हाँ, उस लड़की को, वो लड़की भी यही थी, उसे तो लेगी अपने घर में ना, इसे ना मारा, उसके भैया मार रहे थे जैसे उसे, तो उसे उसकी घर वालों ने नुका दी, मेरी बहन उसे गले से लगा ली उसके भाई ने। थाना क्षेत्र सरधना के गढ़ी खटिकान मोहल्ले में आज एक जैकी उर्फ पटवारी नामक लड़के की हत्या की गई है। जो हत्या की प्रथम दृष्टया वजह निकल के आ रही है कि ये जो व्यक्ति है, इसने 2 महीने पहले इसके मकान के एकदम सामने जो मकान है वो सजातीय हैं दोनों परिवार, उसकी लड़की के साथ इसने विवाह कर लिया था। इसके बाद जो लड़की है उसके 2 भाई जो हैं उनके द्वारा ये आज घटना कारित की गई है। जो मेन अभियुक्त है जिसने गोली मारी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, असला बरामद कर लिया गया है, मुकदमा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम आधानी कार्रवाई की जा रही है। अगला मामला गोवर्धन थाना इलाके के कस्बा अडेग का है, जहां 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती निकल रही थी, जिसे देखने के लिए 9 वर्षीय नितिन घर के बाहर आ गया और तभी से गायब हो गया था, जिसकी तलाश परिजनों द्वारा करने पर जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने बच्चे के गायब होने की सूचना पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर ग्रामीणों ने 17 अप्रैल को बाजार बंद कर पुलिस चौकी अड्डी का घेराव किया था, जहां पुलिस ने पीड़ित परिजनों सहित ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि 24 घंटे में बच्चे की खोज कर बरामदगी कर दी जाएगी, लेकिन आज लापता 9 वर्षीय नितिन का शव पुराने किले के कुएं में तैरता मिला। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कल गांव में खोजबीन के दौरान कुएं को देखा गया था, लेकिन तब कोई शव कुएं में नहीं था। आशंका है कि बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में डाला गया है। वहीं बच्चे के शव को कुएं में पड़े होने की सूचना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने कुएं में पड़े बच्चे के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु दंपत्ति से अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हुआ। श्रद्धालु महिला ने मंदिर के मैनेजर पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। गाली गलौज का विरोध करने पर दंपत्ति को धक्के देकर मंदिर से बाहर निकलवाने का भी आरोप लगाया। यह आपीति महिला ने खुद से रोकर सुनाई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खड़े होकर प्रार्थना करना चाह रही थी, मैं नहीं जानती हूँ कौन से मैनेजर है। हाँ। उन्होंने गाली दी जी। मैंने भी उन्हें धक्का दिया। अच्छा। उन्होंने सिक्योरिटी से पकड़ के मुझे बाहर धक्का करवा दिया। अच्छा, धक्का दे के भगाया? धक्का दे के बाहर कर रहे। मैं खुद अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ। मैं खुद बाहर से प्रार्थना करती हूँ भगवान की, मैं बाहर से प्रार्थना कर लूँ, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन है, मुझे वापस। इतना चाहती हूँ कि कम से कम औरतों का सम्मान करें, औरतों को गाली ना दें। देखिए बिल्कुल, दरअसल पूरा मामला सासनी गेट थाना क्षेत्र के आगरा रोड स्थित एक निजी बार का है, जहां देर रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान नशे में पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच आपस में विवाद हो गया, जहां एक युवक ने असला निकाल दिया और फायर ठोक दिया। इस दौरान एक युवक के गोली लग गई। वही गोली लगने से घायल हुआ युवक भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताया गया है। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ना, लड़ाई वाली बात, तो एक लड़का आया तो मतलब वहाँ पे उसने ऐसी बात छोड़ दी थी, तो हम लोगों ने कोई बात नहीं, हमने फिर भी उससे ये मेरे गले मिलके मैंने कि चलो कोई बात नहीं, सब भाई भाई हैं, ऐसा हो जाता है। उसने क्या किया कि पहला स्ट्रेट फायर मारा उसी में ही, बार में ही, बार में मारने के बाद हम सब लोग आ गए बाहर। बाहर आने के बाद तो हम लोग खड़े थे एक साइड में, और ये हमारा जो भाई था मनिया,
इसको उसने क्या किया कि जो जब हम उससे रोकने की हमने पूछा, मैंने भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसने सीधे फायर मारकर तुरंत भागा चला गया। तो मतलब क्या बाइक से थे वो? हाँ, अपाची बाइक थी उस पर। अकेला तो कोई और भी था? नहीं, एक बंदा और था उसके साथ। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।